जनपद संभल के चंदोसी में सपा कार्यकर्ताओं ने शिक्षक विधायक के लिए होने वाले चुनाव में सपा उम्मीदवार के लिए वोट अपील की। 1 दिसंबर को होने वाले बरेली मुरादाबाद खंड के शिक्षक MLC चुनाव के लिए जनपद संभल के चंदोसी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट अपील की। सपा उम्मीदवार के लिए वोट अपील करने के दौरान अजमोली से सपा विधायक पिंकी यादव, वरिष्ठ सपा नेता सतीश प्रेमी, रेणु कुमारी, गीता बाल्मीकि, फकरे आलम सहित काफी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान अजमोली से सपा विधायक पिंकी यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम सपा सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को गिनाते हुए सपा उम्मीदवार संजय मिश्रा के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। नहीं, हम जो हमारे प्रत्याशी हैं उनके समर्थन वोट मांगने हैं। उन्होंने बहुत काम किए हैं शिक्षकों के लिए। अगर काम किया तो केवल संजय मिश्रा ने काम किया है, बाकी किसी ने काम नहीं किया। और दुर्भाग्य यह है कि जो भाजपा प्रत्याशी हैं वो शिक्षक भी नहीं है। जो शिक्षकों ने संविधान ने अधिकार दिया, शिक्षक नहीं प्रत्याशी तो क्या करेंगे। निश्चित तौर पर वित्तवीन को जो अधिकार दिया वो उन्होंने दिया है, और हम जीतेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीतेगा, संजय मिश्रा जीतेंगे। हम लोग खंड शिक्षक का जो MLC के चुनाव चल रहे हैं उसके अंतर्गत मैं आज चंदौसी में जो है जो हमारे असेवित स्कूल हैं उन स्कूलों में जो है हम अपने शिक्षकों से जो है वोट की अपील करने आए हैं। संजय कुमार मिश्रा गुरुजी जो है वो हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और बहुत अच्छा जो है लोगों से संपर्क करने में बहुत अच्छा, सब लोगों के जो है रुझान हम समाजवादी पार्टी की तरफ देखने को मिल रहा है। क्योंकि मौजूदा हालात में जो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी द्वारा ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सहयोग से जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके द्वारा हमारे असेवित के प्रधानाचार्य और शिक्षकों को और अपना मताधिकार प्रयोग करने के लिए जो है उनको एक ये उन्हीं के द्वारा संभव हो सका है कि वो आज अपना मतदान कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ जब यहाँ लोगों के बीच में हम सब लोग आए हैं और पूरे समाजवादी परिवार हमारे साथ यहाँ पर है, सतीश प्रेमी जी भी हैं, गीता वाल्मीकि जी भी हैं, रेणु आंटी भी यहाँ पे मौजूद हैं, फकरे आलम साहब भी हैं और मीना जी भी हैं, राजेश जी भी हैं, जिला पंचायत सदस्य सभी लोग मेरे साथ आए हैं और हम लोग मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी के जो उपलब्धियाँ हैं, जो शिक्षकों के लिए कार्य किया है उनको लेकर लोगों के बीच में आए हैं। और मुझे उम्मीद है कि संजय कुमार मिश्रा जी के पक्ष में सब लोग अपना मतदान करें।